एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक बहेड़ी में स्थित शाहपुर डांडी गांव पड़ा। लगभग 4500 की आबादी वाला यह गांव जनपद मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर तो वही ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 8 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव की प्रधान राजकुमारी है जो गाँव को विकास के पथ पर अग्रसित कर रही है। लगभग 2350 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 550 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 260 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 67 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व स्ट्रीट लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 30 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 4 खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, 6 सीसी टाइल्स रोड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में आंगनवाड़ी केंद्र, प्राइमरी स्कूल, पंचायत घर, बारात घर, खेल का मैदान, शमशान घाट, प्रवेश द्वार, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 35 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 250 शौचालय, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। सत्यपाल, ग्राम पंचायत सापोराडी। मेरे गांव में जो कार हुए हैं अभी सीसी रोड लगभग 6 करा दिए गए हैं और खड़ंजा निर्माण भी है 6 हो गए हैं। बाकी एक मेन रोड पे नाले का निर्माण हुआ है और गांव में स्ट्रीट लाइट लगा दी गई हैं। स्कूल जो अभी गांव में जो डिमांड है गांव वालों के अनुसार, जैसे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, बच्चों को क्रीड़ा स्थल नहीं है, पंचायत घर नहीं है और स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, बारात घर, ये चीज़ की मैं सरकार से डिमांड करना चाहता हूँ। ये जो है मतलब इसको ग्राम पंचायतों को दिया जाए, जिस जगह ज़रूरत है ग्राम पंचायतों के लिए उस जगह। और बाकी तो धीरे धीरे काम हो ही रहा है और सरकार से मेरा एक अनुरोध है कि इतना जैसे ग्राम प्रधान को ऐसे जकड़ दिया है, नियम और इतने नियम लगा दिए गए हैं जिससे वो बिल्कुल एकदम बंद गया, बॉन्ड हो गया है, खुल के काम नहीं कर पाता है वो। और जैसे किसी मशीनरी का इतना बोल्ट टाइट कर दिया गया है ना कि वो स्लिप होने के कगार पे पहुंच गया है, तो जो है थोड़ा ढील दिया जाए, होता है जैसे मतलब भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो, हम भी उस हिसाब से काम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइटफुल काम कर रहे हैं इस समय हो रहा है सरकार का, तो थोड़ी सी राहत दी जाए ना काम करने के लिए, ताकि प्रधान को थोड़ी आज़ादी हो, खुल के काम कर सके, विकास कर सके, मेरा यही है कहना। और बाकी तो गांव का सहयोग रहा, जो गांव वालों ने चुना है जिस हिसाब से, और काम किया जाए उनके मन मुताबिक, उनके अनुसार कार्य हो रहे हैं और जो उन्होंने उम्मीद लगा रखी उस पर मैं 100% खरा उतरने की कोशिश करूँगा। नारायण दास, ग्राम शाहपुर डांडी से बोल रहा हूँ। और हमारे गांव के जो प्रधान हैं वो बहुत ही अच्छा विकास करा है उन्होंने और करा रहे हैं। पैसा ना आने के खातिर कुछ विकास कम हो रहा है और बहुत अच्छी क्षमता से काम कर रहे हैं और करा भी रहे हैं। बहुत सीसी रोड डला दिए, नालियाँ बनवा दी और नाले भी बनवा दिए और लाइटें भी नहीं आई हैं अभी, उनकी भी आने की संभावना है, देखो वो भी आएंगी तो वो भी बनेंगी। और जो भी है विकास अच्छे ढंग से होना चाहिए। हमारे गांव का विकास बहुत बढ़िया चल रहा है और विकास भी अच्छा ही रहेगा। जहाँ तक पैसा ना आने के खातिर विकास कम हो रहा है, धीरे हो रहा है। मेरा नाम प्रेषणा अग्रवाल है, मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय शाहपुर डांडी में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे यहाँ पर एक हेड और 3 सहायक अध्यापक हैं और मेरे यहाँ 70 बच्चे एनरोल हैं और खाना मिड डे मील का मेनू के हिसाब से बनता है रोज के रोज और बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से खाना दिया जाता है और मेरे बराबर सहायक अध्यापक हैं। और लेकिन प्राइमरी की थोड़ी बिल्डिंग जो है वो थोड़ी क्षतिग्रस्त है, गिरताऊ अवस्था में है, जिसकी वजह से उनके यहाँ की जो 2 या 3 क्लासेस भी जो है वो हमारे स्कूल में एडजस्ट करी जाती हैं, यहीं पर लगाई जाती हैं ये क्लासेस उनकी। तो अगर उनकी नई बिल्डिंग बन जाए तो थोड़ा सा उनको भी अच्छा हो जाएगा और हमारे यहाँ भी बच्चों को थोड़ा बैठने की सहूलियत हो जाएगी कायदे से।
और मेरे स्कूल में भी एक कमी है कि यहाँ बच्चों के लिए फर्नीचर नहीं है। अगर यहाँ मेरे बच्चों के फर्नीचर मिल जाए तो मेरे यहाँ भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा उनके पढ़ाई के, थोड़ी उनको भी सहूलियत होगी बैठने उठने की।